दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं 1 सितंबर 2019 को श्री दिगंबर जैन मंदिर चारबाग लखनऊ में आयोजित हुए गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी मुनिराज के परम शिष्य मुनि श्री 108 विशोक सागर जी मुनिराज के 44वें अवतरण दिवस समारोह के विशेष अंश। ये 1 सितंबर 2019 का मंगल दिवस था। चारबाग लखनऊ में परम पूज्य मुनि श्री 108 विशोक सागर जी मुनिराज के 44वें अवतरण दिवस की भव्याति भव्य आयोजन की तैयारियां चल रही थी। भक्तों में इस भव्य कार्यक्रम के आयोजन को लेकर बेहद उत्साह था। इससे पहले कि कार्यक्रम शुरू हो, भक्तों ने मंदिर जी में भगवान के अभिषेक पूजन से संबंधित कई प्रकार की पावन क्रियाएं की। भक्तगण भगवान का पूजन पूर्ण कर पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन कर स्वयं को कृतार्थ करते हैं। इसी के साथ पूज्य गुरुदेव भगवान के मंगल दर्शन कर कार्यक्रम स्थल की ओर पदार्पण करते हैं। बड़ा ही भव्य स्वागत किया जाता है पूज्य गुरुदेव का। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद पूज्य गुरुदेव के यथास्थान विराजमान होने के साथ ही कार्यक्रम का कारवां आगे बढ़ जाता है। पूज्य गुरु चरणों में एक से बढ़कर एक मंगल प्रस्तुत और उद्बोधन दिए गए। गीत गाने लगी कोयल मोरनी नाचने आई, उगा सूरज खिले गुलशन गगन में बाजे शहनाई, उगा सूरज खिले गुलशन गगन में बाजे शहनाई। माता कुसुम के आंगन में आज गुरु अवतरण हो गए, माता कुसुम के आंगन में आज गुरु अवतरण हो गए, जहाँ गुरु के चरण हो गए वहाँ शुभ आचरण हो गए, जहाँ गुरु के चरण हो गए वहाँ शुभ आचरण हो गए। जयंती का अर्थ होता है जिसका कभी जय रूपी अंत ना हो, जय जयकार हो ऐसे जयंत, ऐसी जयकार जयंती मुनि श्री विशोक सागर जी महाराज की आज कितने उत्साह के साथ सभी मना रहे हैं। देखिए आज सुबह से देवी प्रसन्न हो गए और जल देवता भी प्रसन्न हो गए और सूर्य देवता भी प्रसन्न हो गए और जहां चार बाग प्रसन्न हो जाए वहां चारों गतियों के जीव प्रसन्न हो गए। ललितपुर में जन्मे मुनि श्री विशोक सागर जी महाराज कुसुम लता के आंगन को धन्य कर दिया। माँ बाप सभी को जन्म देते हैं लेकिन बड़े पुण्यशाली जीव होते हैं जो अपने माँ बाप को धन्य कर जाते हैं। इस बीच मंगल चित्र अनावरण और मंगल दीप प्रज्वलन की शुभ बेला आई। नाम है तेरा, तारण हारा,
साथ ही श्रेष्ठी मान्यवरों का मंग गई। श्रेष्ठी वरियों द्वारा पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन किया गया, शास्त्र भेंट किया गया। गुरु भक्ति से सजे इस माहौल में अन्यान्य प्रकार की भेंटें पूज्य गुरुदेव को समर्पित की गई। गुरुदेव का 44वां अवतरण मनाते हुए भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं था। अत्यंत हर्ष और उल्लास के इस माहौल में भक्तों ने पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अन्यान्य प्रकार के अर्घ समर्पित किए। We'll be right back.
सुनकर पूज्य गुरु श्रेष्ठ का मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु भक्ति से परिपूर्ण इस माहौल में कई प्रकार की मनोहर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। बहुत खुशी हुई। मेरा संजू मंदिर में क्या करेगा, फिर क्या कहेगा? लमो अली हंताड़म, लमो सिद्धाड़म। अरे वाह, संजू ने तो पद सीख लिया। शाम को हम आगे के पद सीखेंगे। पापा, माँ रो क्यों रही है? अभी भी रो रही है। क्या भैया नहीं आए? क्यों नहीं आए? बेटा, तेरा भाई निर्मोही हो गया है, अब वो हमारा नहीं रहा। कहता है कभी घर नहीं आएगा। 2003 में 9 जून को ललितपुर में दीक्षा हो गई और संजय बने पहले एलक विशोक सागर और बन गए 108 मुनि विशोक सागर। बोलो मुनि विशोक सागर की जय। बोलो मुनि विशोक सागर जी की जय। विशोक सागर जी की जय। बोलो मुनि विशोक सागर जी की जय। भाई, ये नरसों का शहर लखनऊ है। इस शहर में हमारे विशोक सागर महाराज जी का चतुर्मास हो रहा है। इसी 44वें अवतरण दिवस पर हमको सूचना मिली कि महाराज जी का आज 1 सितंबर को अवतरण दिवस है। हम लोग अपने समाज से 7-8 लोग चले कि महाराज जी के अवतरण दिवस पर हम लोग भाग लेंगे। जैन संतों के चरणों में, दिगंबर संतों के चरणों में बैठने का अवसर मिल जाए तो यह हमारा अहोभाग्य है, और जैन संतों के, दिगंबर संतों के आशीर्वाद मिल जाए तो यह हमारा परम सौभाग्य है। आप सब परम सौभाग्यशाली जीव हैं जो यहाँ आज गुरुओं के दर्शन करने का, उनके अवतरण दिवस मनाने का, जन्म कल्याणक मनाने का आपको अवसर प्राप्त हो रहा है। यह दुर्लभ क्षण है, बहुत ही पुण्य के उद्देश्य प्राप्त होते हैं। इस तरह ये खूबसूरत कारवां कुछ देर यूं ही जारी रहा। जिंदगी जीने की आस होना चाहिए और कुआं खोदने से पहले प्यास होनी चाहिए। करना हो जीवन को रूपाई तगर तो ऐसे मुनि विशोक सागर जैसे संतों का साथ होना चाहिए। किस बात की चिंता हमारे है श्री गुरुदेव हमें, किस बात की चिंता जो रख दिया माथ चरणों में हमें, किस बात की चिंता। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि आज इस पावन नगरी में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, हम इस पावन पर्व पर एकत्रित हुए हैं। इसी बीच पूज्य गुरुदेव ने अपनी मंगलवाणी से भक्तों को कृतार्थ किया। क्योंकि धर्म ही हमारा सच्चा साथी है, अन्य साथी तो हमारे जो है सब यहीं तक के हैं, आपको छोड़ करके चले जाएंगे। जब तक आपके प्राण घर में प्राण है तब तक वह रहेंगे, प्राण निकलते ही सब चले जाते हैं। अथवा जब तक तुम्हारे पास धन है, दौलत है, तब तक वह साथी रहते हैं, और जैसी धन दौलत यदि आपके जो है समाप्त हुआ तो साथी भी जो है किनारा कर जाते हैं। लेकिन धर्म ही सच्चा साथी है जो हमारा जो है कभी साथ नहीं छोड़ता है। एक बार यदि तुमने उसको साथ बना लिया तो वह जन्म जन्म तक, और जब तक तुम्हारे लिए मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है तब तक वह धर्म हमारा जो है साथी होता है। और ऐसा जो साथी बना लेता है तो ध्यान रखना फिर उसका जीवन माटी नहीं बनता है, उसका जीवन जो है महान बन जाता है, पावन बन जाता है, उसका जीवन जो है श्रेष्ठ बन जाता है, और नर से जो है नारायण बन जाता है, वह परम पुरुष से जो है परमात्मा बन जाता है। कब? जब वह अपने जीवन में धर्म को धारण कर लेता है। जब वह धर्म को धारण करता है, अपनी आत्मा का अनुभव करता है, अपने अंदर में जो है निज धर्म, अपने निज स्वरूप को वह प्रकट कर लेता है, तभी वह उसका जीवन जो है श्रेष्ठ होता है, पावन होता है।
भक्त पूज्य गुरु श्रेष्ठ की मंगल आरती कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पूज्य गुरु श्रेष्ठ के मंगल आशीर्वाद के साथ ये शुभ कार्यक्रम यहाँ विराम लेता है। जब से गुरु दर्श मिला मन बा मेरा खिला खिला। तो दर्शकों, इस महामंगल कार्यक्रम की ये विशेष झलकियाँ यहाँ पूर्ण हो जाती हैं और इसी के साथ पूर्ण हो जाता है हमारा ये विशेष कार्यक्रम भी। इस तरह की और भी परम कल्याणकारी झलकियों को हम अपने विशेष कार्यक्रम के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेन्द्र।